हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्रिएशन स्टूडियो। आज का जो हमारा ये सफ़र है ये शिमला से शुरू हो रहा है और आज हम जा रहे हैं माता हिडिंबा के मंदिर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि माँ हिडिंबा का मंदिर जो है ये कुल्लू के मनाली में स्थित है और इसका इतिहास जो है वो पांडवों से जुड़ा हुआ है। शायद इसे आप वाकिफ ना हो, इसीलिए आज हम आपको इस मंदिर के इतिहास से रूबरू करवाने जा रहे हैं। इसके इतिहास के बारे में जानने से पहले हम आपको बता दें कि हम पहुंच चुके हैं इस वक्त मनाली के मॉल रोड में। सुंदर दृश्य जो है ये मनाली के मॉल रोड का है। यहीं से हमको जो ऑटो है वो मिलेगा और हम यहां से ऑटो में जाएंगे माँ हिडिंबा के मंदिर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ से माता के मंदिर के लिए पैदल रास्ता भी है जो कि 3 किलोमीटर का है। यदि आप पैदल नहीं चलना चाहते तो आप यहां से ऑटो भी ले सकते हैं। ऑटो का किराया 150-100 रुपये तक होगा। मंदिर जाने के दो रास्ते हैं। ये दूसरा रास्ता है जहां से हम आए हैं। इसके अलावा एक और रास्ता है जहां से आप सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर पहुंच सकते हैं। तो अब हम साथ साथ आपको रास्ता भी दिखाते जाते हैं और साथ ही मंदिर के दर्शन भी करवाते हैं और इसी के साथ हम आपको इसकी इतिहास के बारे में जो है वो भी बताते हैं। इतिहास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे रास्ते में छोटी छोटी दुकानें भी मिलती जाएगी, साथ ही आपको यहाँ पर मज़ेदार गुलाब जामुन भी गर्म गर्म मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो भेड़ के बच्चे हैं छोटे से वो और खरगोश के बच्चे मिलेंगे जिनके साथ आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं और फ़ोटो खिंचवाने के आपको मात्र 30 से 50 रुपये देने होंगे। देवदार के घने वृक्षों के मध्य स्थित ये सुंदर मंदिर देवी हिडिंबा या हिडिंबा देवी को समर्पित है, जिसका वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। मंदिर में उत्कीर्ण टांकरी लिपि के एक अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण सन 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। पगोड़ा शैली में निर्मित मंदिर की ऊंचाई आधार से लगभग 80 फीट है तथा ये 3 और से 12 फीट ऊंचाई वाले संकरे बरामदे से घिरा है। इसकी ढलवा कास्ट निर्मित छत 4 भागों में विभक्त है, जिसका ऊपरी भाग गोलाकार है जो कि कांस्य कलश एवं त्रिशूल से सुशोभित है। वर्गाकार गर्भगृह में हिडिंबा देवी की कांस्य निर्मित सुंदर प्रतिमा प्रतिष्ठित है तथा चतुपाशद्य प्रवेश द्वारा विभिन्न देवी देवता तथा बेल बूटे खटपल्व अभिप्राय पशु जैसे हाथी मकर इत्यादि के अंकन से सुसज्जित है। प्रवेश द्वार के दाईं ओर महिषासुर मर्दिनी हाथ जोड़े भक्त तथा नंदी पर आसीन उमा महेश्वर और बाईं ओर दुर्गा हाथ जोड़े भक्त तथा गरुड़ पर आसीन लक्ष्मी नारायण को दर्शाया गया है। ललाट बिंब पर गणेश तथा उसके ऊपर शहतीर पर नवग्रहों का अंकन है। सबसे ऊपरी भाग में बौद्ध आकृतियां उकेरी गई हैं। इस मंदिर के विशिष्ट पुरातात्विक एवं वास्तुशिल्पीय महत्व के कारण भारत सरकार के प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 की अधिसूचना संख्या F4.4/67 दिनांक 18/04/1967 द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। साथ ही आपको इसके बारे में और भी मैं बता दूं कि देवी हिडिंबा को समर्पित पगोड़ा शैली का ये प्राचीन मंदिर सन 1553 ईस्वी में कुल्लू के राजा बहादुर शाह ने बनवाया था। प्राचीन कथा के अनुसार हिडिंबा महाभारत काल में एक विशेष कार्य की पूर्ति के लिए राक्षस कुल में पैदा हुई थी। ये अपने भाई हिडिंब के साथ रहती थी जो कि बहुत बलशाली था और सारे क्षेत्र में उसकी दहशत थी। जब पांडवों के
अज्ञातवास के समय भीम व हिडिंबा का मिलन हुआ वह हिडिंब को कतई पसंद ना था, जिसके विरोध स्वरूप उसने भीम को युद्ध के लिए ललकारा। कई दिनों तक दोनों में भीषण युद्ध हुआ, अंत में भीम ने उसे मार गिराया। इसके पश्चात माता कुंती के आशीर्वाद से भीम व हिडिंबा का विवाह इस शर्त पर हुआ कि भीम केवल संतान होने तक हिडिंबा के साथ रहेंगे, उसके बाद अपने भाइयों व माताओं के संग चले जाएंगे। माता कुंती अपने चार पुत्रों के साथ भीम को हिडिंबा संग छोड़कर आगे निकल जाते हैं। ठीक एक वर्ष बाद हिडिंबा को पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। यही घटोत्कच महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कर्ण के द्वारा छोड़े गए अचूक शस्त्र को अपना बलिदान देकर उसे अपने ऊपर लेकर अर्जुन के प्राण बचाता है और मरते मरते भी कौरवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाता है। इस महान बलिदान के बाद भगवान कृष्ण पुत्र घटोत्कच को माता हिडिंबा दोनों को वरदान देते हैं कि आने वाले युगों में तुम्हारे इस बलिदान को सदा याद रखा जाएगा। इसके बाद माता हिडिंबा ने यहाँ पर अपना राक्षसी स्वरूप त्याग कर कई वर्षों तक तपस्या की। कुल्लू में क्रूर प्रीति ठाकुरों के शासनों का सर्वनाश कर विहिंग मणिपाल को कुल्लू के राज सिंहासन पर बिठाया। आज माता हिडिंबा को काली व दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के भीतर विशाल शिला के नीचे माता हिडिंबा के चरणों व पीछे बड़ी शिला के साथ महिषासुर मर्दिनी के दर्शन कर सकते हैं। मई महीने में माता हिडिंबा के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ मेला मनाया जाता है। कुल्लू का दशहरा भी माता हिडिंबा के द्वारा शुरू किया जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राज परिवार के सदस्य आज भी माता हिडिंबा को दादी मानते हैं। वह कुल्लू के दशहरे पर माता हिडिंबा की पालकी का भव्य स्वागत कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं।